कास्ट, जाति नहीं जाती, कितनी गहरी हैं इसकी जड़ें। इसने हमारे समाज को खोखला बना करके रखा है। दलित महिलाएं तो तीन तरह के शोषण की मार झेल रही हैं, जाति के भेद की मार, लिंग भेद की मार और वर्ग भेद की मार। इससे उभरने का प्रयास बिहार के वैशाली जिले के चकफत्ते गांव की दलित महिलाओं ने किया। उन्होंने महाजन के कर्ज से मुक्ति पाने की सोची। उन्होंने परिवर्तन केंद्र, परिवर्तन जन आंदोलन, जिसकी मैं कन्वीनर हूँ, उसकी मदद से दुर्गा परिवर्तन बचत समूह शुरू किया और आपस में पैसा बचत कर एक दूसरे को मदद कर रही थी। लेकिन ये बात महाजनों को रास नहीं आई। ये जो घटना घटी 16 तारीख को, ये किस वजह से घटी? घटा पहले लोग हम कर्जा लेते थे वो लोग से, अब कर्जा लेना बंद कर दिए। अपना मीटिंग करके पैसा बचत करके अपना परिवार में चला रहे हैं, कुछ बचत के लिए 20 रुपया के महीना। वो लोग सोचता है से अभी लोग कर्जा नहीं लेगा, बंद कर दिया। अब ऐसे से ऐसे आदमी आगे मुँह बढ़े नहीं देता है। घटना घटी, लोग मीटिंग के लिए बैठे हैं तो संतलाल जी बोले हैं समूह नहीं चलाने देंगे। सुनीता देवी जो इसी समूह की सदस्य है, संगठन की सदस्य है, उसके घर पे घुस करके उसकी साड़ी पकड़ करके उसको बाहर खींचा, उसको लात गुस्से से मारा, उसको जातिगत गालियां दे करके अपमानित किया। हम बोले संतलाल अच्छा रहा, चुपे रहा, चल जातीन। तो हमारा कहलक निकल रोंडिया धोबिनिया घर में से तोरा हम, तो सिल्ली उठैलक मारे लागे, तो और दूसरा आदमी घेर के और अपना मीटिंग के आदमी से बचा के दोनों के साइड साइड कर दिला। सुनीता देवी ने जाकर के केस दर्ज किया, लेकिन आज तक पुलिस इस सिलसिले में कोई पहल नहीं कर रही है। तो ये अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, सुने कि आपके सामने घूमते फिरते रहे। बिना सही से बात तो नहीं है। आगे क्या सोचा है करने के लिए? हम केस ले रहेंगे, परमशिला दीदी साथ में है, वर्षा दीदी साथ में है और संगठन के लोग साथ है, केस लड़ेंगे। सुनीता ने लड़ने की ठानी है, क्या आप साथ हैं? आपका साथ आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगा। आप अगर साथ देना चाहें तो परिवर्तन केंद्र को ईमेल कर सकते हैं, parivartankendra1@gmail.com। बिहार के वैशाली ज़िले से मैं वर्षा, इंडिया अनहर्ड के लिए।